डुमरी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने डुमरी पहुंचकर एक चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां उन्होंने कहा कि जितने वोटों से जगन्नाथ महतो जीते थे उससे कहीं ज्यादा वोटों से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बेबी देवी जीतेंगी। इसी को लेकर उन्होंने लोगों से बेबी देवी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उन्होंने एनडीए का नाम लिए बगैर कहा कि चुनाव में जोकर और जंबूरे भी हैं, लेकिन जगन्नाथ महतो के विकास के कारण यहां के लोग इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बेबी देवी को अपना बहुमत देकर प्रचंड मतों से उन्हें जीत दिलाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। देखिए, लगातार हम लोग डुमरी विधानसभा में बने हुए हैं। हम हमारे तमाम मंत्रीगण, विधायकगण, कार्यकारी अध्यक्षगण, सभी लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इंडिया की बैठक में मुंबई में भाग लेने गए हैं। ऐसे में हम सबों का दायित्व तो बनता है कि कैसे चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ा जाए, और उस काम में हम लोग संजीदगी से लगे हुए हैं। जिस तरह का माहौल दिखता है यहाँ, हम ये कह सकते हैं कि चुनाव जितने वोटों से जगन्नाथ दास जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। ये सही है कि बहुत तरह के जोकर जमूरे जब चुनाव होता है तो घूमते हैं, लेकिन लोग सारी बातों को समझते हैं। किस तरह से जगन्नाथ दास ने सड़कों का जाल बिछाया, तालाब देखिए। जब क्षेत्र में दौरा करता हूं तो ये पता चलता है कि ये विधानसभा अगर देखा जाएगा तो झारखंड के सबसे अच्छे विधानसभा क्षेत्रों में आएगा। स्कूल की बिल्डिंग्स देखिए, स्कूल में छात्रों का आना जाना देखिए। और शुक्र की बात यह है कि जगन्नाथ दास का जिस दिन जो उनके निधन के बाद खाली हुआ है और उपचुनाव हो रहा है वो 5 सितंबर को है, शिक्षक दिवस के दिन। और शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा के पैरोकार जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देने का दिन है। हम समझते हैं बेबी देवी जी उनकी जगह पे उनके सपनों को साकार करने के लिए खड़ी हुई हैं, तो हमें नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत की बात है। हम बहुत अच्छी तरह से चुनाव जीते हैं। लगातार इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, आज भी मुंबई में बैठक है। 2024 में जो होने वाला जो लोकसभा का चुनाव रहेगा, क्या दिशा और दशा परिवर्तन होगा देश का? देखिए, जनता केंद्र बिंदु में है, जनता के मुद्दे केंद्र बिंदु में है। आप देखेंगे किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी चीज जो नफरत चरम पर है। और ऐसे में आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, उसका सीधा संदेश यही था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। इंडिया की तीसरी बैठक है और तीसरी बैठक में आज बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है, और हम समझते हैं जो चर्चा होगी उसका नतीजा पूरे देश के लिए अच्छा होगा। जो देश के लोग चाहते हैं उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, और हम समझते हैं ये देश के लिए सबसे सुखद दिन है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक संदेश दिया है, जहां नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री हाफिजुल अंसारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।